विश्व कप टीम में जगह न मिलने के बाद क्या खत्म हो गया इन खिलाड़ियों का करियर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है। कुल 15 खिलाड़ियों को भारत के इस विश्व कप टीम में जगह मिली है। इस 15 सदस्य टीम की कप्तानी जहां विराट कोहली को मिली है, वहीं टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा है। आज हम आपको अपने इस खास वीडियो में उन 5 खिलाड़ियों का नाम बताएंगे जिनके लिए कहा जा सकता है कि भारत की इस विश्व कप टीम में जगह न मिलाकर कर इन खिलाड़ियों का करियर लगभग खत्म हो गया है। तो चलिए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में। युवराज सिंह, भारत के विश्व कप टीम देखने के बाद अब युवराज सिंह जल्द ही अपने संन्यास की ऐलान करने का मन बना चुके होंगे। वो लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे, उनकी अंतिम उम्मीद विश्व कप ही थी, लेकिन विश्व कप 2019 से उन्हें नजरअंदाज किया गया। विश्व कप टीम में उनका चयन न होने के बाद उनके क्रिकेट करियर को खत्म ही माना जा सकता है। हरभजन सिंह की उम्र 38 साल के करीब है, वो भी सिर्फ विश्व कप टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब विश्व कप की टीम आ चुकी है तो उनके संन्यास की आधिकारिक घोषणा भी जल्द आ सकती है। वैसे भी उन्होंने पूर्व क्रिकेटरों के भांति कमेंट्री करना एवं बतौर एक्सपर्ट न्यूज चैनलों पर बैठना शुरू कर दिया है। भारतीय टीम के इस चयन के बाद उनका क्रिकेट करियर भी पूरी तरह खत्म माना जा सकता है। सुरेश रैना को विश्व कप टीम में अपने चयन की उम्मीद थी, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। उनका फॉर्म और फिटनेस भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। बढ़ती उम्र के साथ उनका खेल भी खराब होता जा रहा है। विश्व कप टीम में जगह न मिलने के बाद सुरेश रैना के भी क्रिकेट करियर को अब खत्म माना जा सकता है। अंबाइती रायडू के लिए यह कहा जाए कि उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खत्म हो गया है तो यह कहना गलत नहीं होगा। पिछले एक साल में वो भारत के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए टीम में जगह नहीं दी। बढ़ती उम्र के साथ अब उनका भारत की विश्व कप टीम में वापसी करना मुश्किल लग रहा है, इसलिए उनका क्रिकेट करियर खत्म माना जा सकता है। ईशान शर्मा का टेस्ट क्रिकेट करियर तो काफी शानदार चल रहा है, लेकिन भारत के इस विश्व कप टीम चयन के बाद उनके वनडे करियर को पूरी तरह खत्म माना जा सकता है। ईशान शर्मा पिछले काफी समय से भारत की वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें विश्व कप टीम में अपनी वापसी की उम्मीद थी, लेकिन उनकी वापसी भारत के वनडे टीम में ना हो पाई। उनके भी वनडे क्रिकेट करियर को अब पूरी तरह खत्म माना जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।